एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली ना टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों से मैंने मेरे बालों के बारे में बहुत तारीफ सुनी है। आई डोंट नो व्हाई यू लाइक माय हेयर, बट या तो मैंने ना टाइम टू टाइम बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की हैं जिनमें कि आप अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, दिस इज़ अ लाइक जुगाड़ फॉर स्पा। लाइक अगर आप बाहर स्पा करवाने जाते हैं या फिर जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें कि आप घर बैठे स्पा कर सकते हैं वो स्पा क्रीम की हेल्प से, अगर आपके पास वो स्पा क्रीम नहीं है तो सेम एंड एग्जैक्ट, मतलब जैसे उसमें रिजल्ट्स आए थे वैसे रिजल्ट्स अगर आप घर की किसी चीज़ से पाना चाहते हैं या घर की किसी चीज़ से आपको चाहिए कि आपको सेम रिजल्ट्स आए, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस रेमेडी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब मैंने ये लाइफ में फर्स्ट टाइम यूज़ की थी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, बिकॉज क्या होता है ना कि जो लाइक ये पूरी रेमेडी बनाना के ऊपर बेस्ड है, तो बनाना क्या होता है आपके बालों में स्टिक रह जाता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप उसे अच्छे से अपने बालों से निकाल दें, जितना भी ऑयल आपने यूज़ किया इस रेमेडी में उसे अच्छे से निकाल दें, अदरवाइज दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग मिस। आपको ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी अगर ये आपको अच्छे से करनी नहीं आई। तो जैसे जैसे मैं इसमें स्टेप्स बताती जाऊंगी, जो जो मैं इसमें रिकमेंड करती जाऊंगी, प्लीज़ वो करिएगा अगर आपको मतलब इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए जो मुझे मिलता है। अगर आप मेरे बालों को अभी देखें तो ये अभी थोड़े से गीले हैं, सूखे नहीं हैं अच्छे से, एंड इनमें कलर हो रखा है, बट स्टिल दे लुक प्रिटी मैनेजेबल। एंड नीचे भी इनमें शाइन नज़र आ रही है, दे कुछ भी मतलब मुरझाए हुए नहीं लग रहे हैं, दे हैव अ लिटल शाइन इन देम। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बालों को कलर करने की वजह से मेरे बाल, लाइक कैन यू सी द शाइन, बालों को कलर करने की वजह से मेरे जो एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, जिसकी वजह से अब उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, बट नाउ दे आर नॉट लुकिंग ड्राई एट ऑल आफ्टर यूजिंग दिस रेमेडी। सो अगर आपको अपने बाल स्मूथ चाहिए, शाइनी चाहिए, मैनेजेबल चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस एटलीस्ट वंस, एक बार मेरे बोलने से ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करने वाली हूँ, आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू रीप्लेस देम विद समथिंग एल्स, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट का खुद से एक इम्पॉर्टेंस है इस पूरी रेमेडी में। एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you.
जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, यू हैव टू मेक मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेल और अच्छे से बालों में लगाना, एंड आफ्टर दैट अगर आप चाहें, अगर आपको वो मसाज करना, अगर वो मसाज करना आपके लिए पॉसिबल है, देन डेफिनेटली डू द मसाजिंग, बिकॉज जितना वो आपके स्कैल्प में अच्छे से यू नो पेनिट्रेट होगा, उतना ज़्यादा आपके हेयर के लिए अच्छा होगा. नेवर फॉरगेट टू एड द मास्क ऑन योर एंड्स, ये वाला मास्क स्पेसिफिकली, बिकॉज ये वर्क ही इस चीज़ के लिए करा है, इट विल प्रोवाइड शाइन एंड स्मूथनेस टू योर हेयर. तो अगर आपके एंड्स ड्राई हो रहे, एंड्स पे नहीं लगा रहे, सिर्फ रूट्स पे लगा के छोड़ रहे हो, तो इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू वर्क. सो यू शुड अप्लाई दैट ऑन योर एंड्स एज वेल. उसके बाद सेकेंड थिंग, हो सके जितना सीधा होके आप अपने बालों को वॉश कर पाएं उतना ज़्यादा अच्छा है. बिकॉज व्हाट आई सजेस्ट यू, जब आप बनाना लगाएं उससे पहले भी अपने बालों को कॉम करें, देन बनाना लगाएं, एंड ट्राई कि बाल ज़्यादा नॉट बालों में ना पड़े, बिकॉज एट लास्ट यू हैव टू कॉम योर हेयर्स वेट ओनली, अदरवाइज जो बनाना है वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा. आज जब मैंने बाल वॉश किए, बनाना अच्छे से नहीं निकल पाया था, बिकॉज मैं कॉम लेके जाना भूल गई थी वॉशरूम में नहाते टाइम. सो अभी तो खैर निकल गया, बिकॉज व्हाट आई डिड वाज, जो पतली वाली कॉम होती है, जो ब्रश नहीं कॉम होती है, जो पतले वाली साइड, उससे मैंने अच्छे से निकाला, एंड अ लॉट ऑफ बनाना हैज केम आउट ऑफ माई हेयर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आपका सेकेंड वाला जो शैम्पू लगा हुआ है, उस टाइम आपको कॉम लेनी है. पहले आप कॉम की मोटी वाली साइड लीजिएगा, एंड देन अपने स्लोली स्लोली बालों को नीचे से कॉम करना शुरू करना है, ऊपर तक कॉम करते लेके जाओ. उससे क्या होगा, जो बनाना होता है वो चिपचिपा होता है, आपको पता है इस बारे में. तो वो बनाना क्या होता है, आपके बालों के स्ट्रैंड में चिपका रह जाता है, और इससे कई बार क्या होगा, जब आप वॉश वगैरह करके बाहर आ जाओगे, आपको कोई निखार नजर नहीं आने वाला अपने बालों में. वाई दैट सो, बिकॉज ऑफ द बनाना. सो मेक श्योर कि जितना अच्छे से बनाना हो सके, उतना अच्छे से आप बनाना को अपने बालों में से निकाल फेंकिएगा, अदरवाइज ये रेमेडी का कोई फायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को. और अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यूसली हर हफ्ते यूज करेंगे फॉर अ मंथ, देन यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी आपके बालों में. योर हेयर विल फील स्मूथ, सॉफ्ट, सिल्की, एवरीथिंग लाइक अ गर्ल वॉन्ट. सो बट द थिंग इज, यही ट्रिकीनेस है कि ये बालों से अच्छे से निकलता नहीं है. तो अगर आपको निकालना एक बारी आ जाएगा, निकालने की आपको एक बारी ट्रिक आ जाएगी, तो आपको ये रेमेडी बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगने वाली नहीं है. एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी फ्रॉम लास्ट वन ईयर. मैं पिछले एक साल से एटलीस्ट दो महीने में एक बार या एक महीने में एक बार इसको जरूर ट्राई कर लेती हूँ. जब भी मुझे लगता है कि मेरे बाल ड्राई होने शुरू हो रहे हैं या फिर उनके एंड्स ड्राई हो रहे हैं, और अभी तो जैसे मैंने कलर करवाया, तो माई एंड्स वर फीलिंग सो ड्राई कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई कि एक बार चलो ये यूज करके देख लेती हूँ, बिकॉज ऑयलिंग वगैरह सब कर लिया था. और अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, देन आप ये मत सोचिए कि होम रेमेडीज आपके झट से वर्क करेंगी. सो दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत तो इसने फर्क दिखाया है. एंड या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको किसी भी टॉपिक, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है या फेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन डू लेट मी नो, एज माई स्किन इज ऑल्सो डूइंग गुड राइट नाउ. एंड बेसिकली गाइज, एक और सजेशन आपको वीडियो के एंड में दे रही हूँ. Do start using castor oil. Please start using castor oil. Castor oil एक बहुत drastic change आपकी life में लेके आ सकता है. आपकी पूरी hair care में, skin care में, हर चीज़ में बहुत अच्छा change लेके आ सकता है. But the thing is, you should start using castor oil. एंड वो झटके में चेंज नहीं लेके आएगा, इट विल टेक टाइम, लाइक 3 months, 4 months, 5 months. या फिर अगर कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप कैस्टर ऑयल यूज करो, देन इट विल टेक 1 month, 2 months मिनिमम लाइक टू शो द रिजल्ट. सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग कैस्टर ऑयल फॉर योर, स्पेशली फॉर योर हेयर. एंड या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ यू डू सो, देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.